connect my EDU. So what we were doing there, ki we saw very small market gap. अब जो बड़ी कोचिंग्स में अगर यहाँ पर कोई है जो विद्या मंदिर फिटजी या ऐसी किसी कोचिंग में पढ़ा है, तो यू गाइस हैव सीन कि व्हेन यू यूज्ड टू गिव योर ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज और समथिंग लाइक दैट, सो यू यूज्ड टू गो टू अ पर्टिकुलर सेंटर, आफ्टर दैट यू वुड हैव अ ओ लाइक व्हाट दे से दिस टिकट और समथिंग व्हिच दे यूज्ड टू चेक, देन सीट्स वुड बी अलॉटेड एंड टीचर्स वुड चेक वेयर दे आर राइट. बट अब अगर हम छोटे कोचिंग में देखें जिसमें 50-100 स्टूडेंट्स हैं, तो वहां पे क्या होता है, व्हाट्स दे यूज्ड टू डू, बच्चे वहीं बैठते हैं, सेंटर में टेस्ट दे लेते हैं, कोई ऑनलाइन रिजल्ट, कोई रिजल्ट एनालिसिस, देयर यूज्ड टू बी नथिंग इन देयर. सो वी सॉ मार्केट गैप देयर कि अरे यार वी कैन डू दिस थिंग. सो व्हाट वी वर डूइंग एट कनेक्ट माई EDU वॉज दैट वी वर प्रोवाइडिंग स्मॉल कोचिंग इंस्टीट्यूशन विद दीज सर्विसेज. सो अब क्या हुआ कि यार कॉलेज स्टूडेंट थे एंड मोस्ट ऑफ अस आर कॉलेज स्टूडेंट एंड मोस्ट ऑफ अस आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिलीज, सो वी नो दैट वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ डिस्पोजेबल इनकम एट विद अस, यू नो, विच वी कैन इन्वेस्ट. सो दैट्स व्हाई द टॉपिक ऑफ टुडे इज दैट हाउ टू स्टार्ट इट इन INR 10,000 ओनली. सो अब मेरे पास तो 10,000 भी नहीं था, सो व्हाट आई डिड, मैंने अपने एक दोस्त को बोला, मैं कहा भाई दोनों भाई मिलकर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अभी अपन दिल्ली के हैं तो थोड़ा उस तरह से चलता है अपना. सो वी स्टार्टेड विद 10,000 bucks. व्हाट वी डिड, हमने कुछ IIT कानपुर और अपने कॉलेज के लड़कों को उठाया, फर्स्ट ईयर वालों को, एंड वी सेड गाइस यू गाइस विल डू द कोडिंग पार्ट, यू विल मेक द एप्लीकेशन एंड ऑल, एंड वी विल हैंडल द मार्केटिंग पार्ट, ठीक है. सो आई थिंक द वेबसाइट टुक ओनली 2,000 bucks टू गेट प्रिपेयर्ड, दैट वॉज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट. 2,000 के अंदर वी हैड द डोमेन नेम, वी हैड 1 year ऑफ होस्टिंग सर्विसेज एंड SSL सर्टिफिकेट, जितना भी कुछ होता है वी डिड दैट थिंग. आफ्टर दैट हमने पैम्पलेट प्रिंट करवाए अपने, क्योंकि पैम्पलेट एंड फ्लायर्स बांटने होते थे लोगों को हमें, वी हैड दिस ऑफलाइन वर्क, ऑनलाइन वर्क, एवरीथिंग वॉज देयर एट कनेक्ट माई EDU. सो आई थिंक वी यूज 5,000 bucks इन पैम्पलेट्स. आई डोंट नो वाई, आज भी वो पैम्पलेट्स रूम पे रखे हुए हैं मेरे, यू नो, अगर किसी को चाहिए तो बता सकते हो. एंड आफ्टर दैट वी स्टार्टेड टू गो टू द कोचिंग. So coming to the thing, ki when you are starting a startup, you are in college, so how will you start this? You don't have the investment. So there is this methodology that we call lean methodology. Theek hai? What you have to do, you have to make a list of services that you guys will be providing. You have to see ki customer kis cheez ke liye pay karne wala hai, and then only go to market with those services. So in this way, you guys will reduce your cost a lot. अभी क्या है कि अगर मैं सोचता कि यार 10-15 चीजें करते हैं, एक साथ करते हैं, टीम बना लेते हैं, हाँ, मतलब स्टार्टअप्स में पॉपुलर है ना कि आपके पास आईफोन होना चाहिए, मैकबुक होना चाहिए और कोवर्क्स में ऑफिस होना चाहिए, तभी आप स्टार्टअप गाई होगे, तभी आप स्टार्टअप करोगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. यू गाइज कैन स्टार्ट विद योर कॉलेज डोरम रूम्स, यू गाइज कैन स्टार्ट विद एनी स्पेयर रूम एट योर हाउस जहाँ पे योर टीम इज सिटिंग, यू गाइज आर कोडिंग एंड ऑल. So this will save up a lot of money that you guys will be spending on unnecessary things. So what we have to do when we are going to start, again, let me cut it down. We just have to note down what all facilities we will give. We have to go to customer and ask ki bhaiya aapko kya kya chahiye aur aap kitna paisa dene wale ho in facilities ke liye. Then we have to see ki hum 10 cheeze de rahe hain but customer ko 3 cheeze chahiye, yani wo 7 cheeze bekar hai. So remove those 7 things, do those 3 things. Reduce the cost. Being a college student, you guys don't need office. College में space होती है, बहुत ज़्यादा space होती है, काफी rooms खाली होते हैं काम करने के लिए. Phone घर वाले दे देते हैं, laptop घर वाले दे ही देते हैं. तो you guys don't need any investment. What you need is visiting cards. 80 पैसे में visiting card print हो जाता है. Now coming कि यार अब तो website code करनी होगी, तो how to code it? तो हमारे college में कोई ना कोई coder होता ही है जो engineering background से है. या फिर अगर कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से है, आर्ट से है, ह्यूमैनिटीज से, तो हमारा कोई ना कोई दोस्त होता है जो इंजीनियरिंग कर रहा है और कोडिंग कर सकता है. एल्स हम लाइव लिंक्डइन के थ्रू एंड डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू खोज सकते हैं लोगों को कि भाई कोडिंग करनी है, आई एम स्टार्टिंग दिस स्टार्टअप. सो यू गाइज विल सेव अप अ लॉट ऑफ कॉस्ट देयर, ठीक है. सो या ऑफकोर्स यू गाइज कैन स्टार्ट अ स्टार्टअप विद इन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,000 bucks ओनली. प्लस 10,000 में यार ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस नहीं जोड़ा है, बिकॉज ट्रैवलिंग इज अ बिट, you know, costly these days. Now coming to the next thing, ki ab humne start to kar diya, so ab hua kya? So
It was in education technology domain, and we were working with the various small coaching institutions. So what we were doing with the coaching, ki now let's say aapki coaching hai jisme 30-40 students hain, 50 student hain, to aap ek pura sophisticated system create nahi karoge ki bacche center pe ja rahe hain ya bacche kahin bahar ja rahe hain aur aap ek software hai jo analysis karke deta hai and all these things. So humne kya kiya, humne clusters banaye coaching ke and we started doing this thing. We had a target of 2000 enrollments for that year, and we got 4000 enrollments. So yaar ab humne kaha yaar target se to double hit kar gaye, so ab kya kare. So ab kya hua ki hame kuch investors mile, and investors ne bola ki yaar hame potential dikh raha hai to chalo funding ki jaye startup mein. So the first opportunity that I got was for $200,000. That was jab $1.60 chal raha tha. So that was an investment of 1.2 CR at that time. And the second investment that we were raising, it was for 85 lakh per year for 3 years. So that was something close to 2 crore 50 lakh or 55 lakh something. Theek hai. So humne do bar investments raise ki. But we were already self-sustainable. So we thought that investment raise, karna, shares, dena, that won't be a very good issue. Abhi. So what did we say? We told investors, thank you for your good opportunity, thank you for your good offer, but we won't be able to use the money right now. So what happened after doing this, my co-founder ran away and I was like, how many days do I do this startup? I'm bored. So we closed that startup at a very good valuation. And मतलब ठीक है मिल गया मुझे भी पैसा मिल गया ठीक ठाक उससे ठीक है like we can't disclose the amount and all but ठीक है so this is why you know you guys should try to start a startup in college and all so this is one of the topic कि why you should start at this period of time now coming to that कि what I did after that तो अभी यार ये हुआ कि during the first startup I did not had any mentor I did not had any business coach with me यार अगर किसी का माइक ऑन है तो प्लीज वो ऑफ कर ले माइक बीच बीच में नॉइजेस आ रही हैं, या सो किसी का माइक ऑन है तो यार प्लीज म्यूट कर ले राइट सो आफ्टर दैट व्हाट आई सेड कि यार ठीक है मुझे जो इश्यू गाइस किसी का अगर माइक ऑन है प्लीज म्यूट कर लो या सो आफ्टर दैट व्हाट आई थॉट कि यार ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज लाइक अ किडो एंड I was 18 at that time and I had no business acumen. I had not worked with anyone. I had not worked in a company. I had no mentors during my first startup. That's why the first we had to close it down. Okay, we closed it profitably, of course. Paisa kamaya usse. But again, we had to close it down. So I thought, ke ab kya kiya jaye? So after that, I worked with several student startups from different college. NSIT ke startups ke saath, IIT Delhi ke startups ke saath, out of Delhi ke bhi kuch startups ke saath I worked. To. For 2 years, I worked under the guidance of other people just to see how they are working on their startup, how the things are going and all. Ab ye sab ho gaya, pehla startup kiya, funding raise ki, usko profitably close kiya, theek hai, startups ke saath kaam kar liya. So what is the current scenario? So right now I'm working with 3 startups. Theek hai, one is Startup Monk and we handle the media and PR part for a startup here. Then there is another startup that is the Analog, which is an IT infrastructure startup. Iska bhi main Analog ka example dunga. It's a pretty nice example to hear out. Theek hai, yahan pe jo log coders honge, un logon ke liye, this is Analog is a very good example ki how to earn money. And the third one is My Medicine Box. So My Medicine Box mein what we are doing is medicine delivery and healthcare part. Theek hai. So this is the current scenario. So अभी तक का जो था मैं उसका आप लोगों को एक क्रक्स देता हूँ आई स्टार्टेड माई फर्स्ट स्टार्टअप इन फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज इनिशियल इन्वेस्टमेंट वॉज $10,000 ओनली इन्वेस्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ 3 months वी रेज फंडिंग ट्वाइस वंस इट वॉज फॉर $200,000 वंस इट वॉज फॉर 2.5 CR और समथिंग आफ्टर दैट वी क्लोज इट डाउन वी रिटर्न द मनी ऑफ इन्वेस्टर्स We earned some money ourselves also. Founder and co-founder ko jo paisa mila hume wo mil gaya. After that, I worked with several startups. And currently I'm working with 3 different startups. That is Startup Monk, Analog and My Medicine Box. So abhi baat ye aati hai ki I'm still pursuing my engineering. Ab sawal ye aata hai ki bhai engineering kar rahe ho to engineering mein aapne kya kiya hai?
So for that credentials, I'm a coder also. Machine learning, mainly neural network is my area. स्मार्ट इंडिया हैकाथन का जितने नाम सुना होगा यहाँ पर जो इंजीनियरिंग कर रहे होंगे मे बी उन्हें पता होगा. सो आई हैड अ रैंक 3 इन स्मार्ट इंडिया हैकाथन अंडर CSIR डिपार्टमेंट. सो वी मेड एन ऐप जो कि लाइव टाइम पे आपकी लोकेशन के हिसाब से बताता है व्हाट इज द रिस्क ऑफ डेंगू. सो दिस वाज ऑल अबाउट माय बैकग्राउंड कि व्हाट आई हैव डन टिल नाउ हाउ आई हैव डन एंड दीज थिंग्स. ठीक है, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट. Why to take risk? ठीक है, तो I have some questions for everyone. I would like कि आप लोग चैट में उसके रिप्लाई टाइप करो एक बार. ठीक है, I would be seeing the chat box. Okay, so yeah, the first question is, are you guys married? यहाँ पे मतलब कॉलेज में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, so are you guys married? Like शादियाँ हो गई हैं आप लोगों की? ठीक है, I guess नहीं हुई है ज़्यादातर लोगों की. Okay, second, ठीक है, शादी नहीं हुई है. Very good. So do you guys have kids? मतलब अगर मतलब किसी का है शादी नहीं हुई है लेकिन still you guys have kids. So okay, great. वो भी scenario नहीं है. Coming to next question. Do you have to pay to your parents? कि आपके parents आपको कह रहे हैं बेटा हर महीने का 50,000-60,000 हमारे नाम कर दो, हमें चाहिए तेरे से. ठीक है, हर महीने का 60-70,000 ऐसा कुछ. नहीं ना, ठीक है. आई एम सीइंग इन द चैट बॉक्स. ओके, सो कुछ लोग हैं हु टेक केयर ऑफ देयर फैमिली बट मेजरली द रिप्लाइज आर नो फॉर ऑल द थ्री क्वेश्चंस. ओके, नो नो नो. आई हैव सीन, आई एम सीइंग लाइक सारे नो ही है. ठीक है, शिवेंदु ने बोला है कोई मिले तो सही, भाई मिल जाएगी, टेंशन मत ले. ठीक है, भरोसा रख, सब अपना टाइम आएगा. ठीक है, सो या नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग कि भैया ये सारी बातें तो ठीक है. सो इट मीन्स कि देयर इज नो लायबिलिटी ऑन यू गाइज. You guys are not married. You guys don't have a family to take care of. You guys don't have parents to take care of. Your parents are paying for your education, for your fooding and everything. So now coming to the thing, ki yaar, aapke liability hi kya hai, jo aap risk nahi le rahe ho. Matlab kya hota hai? Agar kuch liability hai kisi ke upar ki haan yaar, I have to. Okay. So yeah. To. बात यह है कि वी डू टू थिंग्स कि लेट से कि इफ यू आर स्टैंडिंग अलोन इन अ रूम एंड आप अपना हाथ हिलाते हो अगर बार बार हवा में. ठीक है, तो क्या है किसी को वो हाथ से चोटें नहीं पहुंच रही हैं एंड आप मस्त एकदम बर्ड बन के उड़ने की कोशिश कर रहे हो. सो दिस इज योर करेंट सिनेरियो. इवन इफ यू टेक रिस्क एंड यू फेल, नो वन इज गोइंग टू गेट अफेक्टेड बाय यू. नाउ लेट्स टेक अ केस सिनेरियो 5 to 7 maybe 10-8 ईयर्स लेटर. यू गाइज आर मैरिड. Your parents have retired and are living on pension and are looking towards you. And luckily, you guys have, let's say, ek ya do bacche hain, teen char bhi ho sakte hain, jitne bhi hain, let's say. So you guys have a family. Now, you think, ki yaar, ab main apni naukri chhod deta hoon and let me start a startup. So that would affect your family. That would affect the quality of life, the standard of life you guys would be giving them till now. Theek hai? क्यों? क्योंकि यार जॉब से आपको महीने का 80,000-90,000-1,00,000 जैसे भी जॉब है 1.5-2 लाख वो फिक्स्ड आ रहा था. योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाज दैट. सो अगेन कमिंग टू द एग्जांपल कि अगर यहाँ पे एक भीड़ वाली जगह पे खड़े हो जाए ना जहाँ 200 लोग खड़े हैं एंड वहां पे आप डांस करना चाहो तो कुछ लोगों को चोट लगेगी ही लगेगी. सो दैट इज द नेक्स्ट सिनेरियो कि व्हेन यू हैव अ फैमिली, व्हेन यू हैव पीपल टू टेक केयर ऑफ, You guys won't be able to take that much risk. ऐसा नहीं है लोग नहीं लेते हैं, बिल्कुल लोग लेते हैं. But still, it puts you in a very bad situation. कि यार अगर startup नहीं चला उस time, तो my family will be affected. मेरी savings खत्म हो जाएगी. Education देखना है मुझे अपने बच्चों का, उस पर issue हो सकता है मुझे कल को. ठीक है. But currently, you don't have to worry about these things. Worst case scenario में अगर startup fail भी होता है, तो you guys are students. You guys will get a job. You guys can go for a higher education. ठीक है, सो देर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू गाइज कैन डू राइट नाउ. सो या यू गाइज डोंट हैव एनी लाइबिलिटीज. सो या कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, कुछ लोग बोलेंगे कि यार अभी तो हम स्टूडेंट हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, तो आई वॉन्ट टू वेट. अभी मैं स्टार्टअप नहीं करना चाहता हूँ. आई जस्ट वॉन्ट टू वेट फॉर सम टाइम एंड वॉट आई डू कि वॉट यू से लाइक आई ज्वाइन अ जॉब, आई वर्क देयर फॉर 2-3 years. I'll collect some money, I'll get some experience, I'll get some corporate exposure
एंड आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट द स्टार्टअप थिंग. ठीक है कि यार अभी तो नहीं करना मुझे, बाद में करता हूँ, आई विल स्टार्ट इट ऑन अ लेटर स्टेज. ओके बिल्कुल सही है ये, आप ये कर सकते हो, दैट्स परफेक्टली फाइन. ठीक है, देयर आर टू पाथवेज, आइदर आपने कॉलेज के टाइम पे ही स्टार्ट कर दिया. ठीक है, इफ यू सक्सीड यू विल मेक इट बिग, इफ यू फेल यू विल गेट अ जॉब, अगर आपने कॉलेज में किया है तो. अगर आपने कॉलेज के बाद जॉब की है तो अगेन वही सिनेरियो है कि लेट से आपका वही प्लान है कि यार आई विल गेट 3-4 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन कॉर्पोरेट कल्चर एंड आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट माई स्टार्टअप एंड ऑल. तो अगेन वही चीज है, फर्स्ट थिंग यू विल हैव अ वेल सेटल्ड जॉब विच इज पेइंग यू 80-90,000 और वट एवर विल बी योर सैलरी पर मंथ. तो यू विल बी इन अ वेरी सेटल्ड कंफर्टेबल पोजिशन कि यार हर महीने का पैसा आ रहा है. एंड देन टू लीव दैट मनी फॉर समथिंग अनसर्टेन कि यार स्टार्टअप चलेगा नहीं चलेगा, पैसा आएगा नहीं आएगा, क्या होगा, दैट विल बी अ वेरी बिग यू से मेंटल इशू फॉर यू ऑल्सो कि क्या करना चाहिए मुझे, छोड़ना चाहिए नहीं. सेकेंड यू विल हैव अ फैमिली टू टेक केयर ऑफ एंड ऑल दीज थिंग्स. सो अगेन यू विल फेस दिस इशू. जस्ट एक सेकेंड यार, स्क्रीन शेयर कर रहा था ना मैं. या मतलब ठीक है, कैसे करना था आई डोंट रिमेम्बर, गिव मी अ मोमेंट. सो नाउ थिंग इज कि प्रोज एंड कॉन्स वही है कि इफ यू स्टार्ट आज से 4 साल 5 साल बाद तो यू गाइज विल हैव सम मनी इन द पॉकेट, यू वॉन्ट हैव टू वरी कि 10,000 में कैसे करे, मे बी आप लोग 2-4 लाख रुपए इन्वेस्ट कर पाओ. एंड उसके बाद ये है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि मतलब मैंने स्लाइड्स यहीं तक बनाई है, 3 ही स्लाइड है, उसके बाद मैं ऑडियो ही बोल रहा हूँ तो मैं जरा सा पीछे कर लेता हूँ इसे. राइट, थिंग इज कि नाउ व्हाई यू शुड हैव अ मेंटोर. ओके जस्ट गिव मी अ मोमेंट. या ओके इफ फैमिली कंडीशन, ओके आई हैव गॉट दिस क्वेश्चन फ्रॉम मोहंती, इफ फैमिली कंडीशन इज क्वाइट पुअर देन विल इट बी वर्थ टू लीव कॉर्पोरेट एंड स्टार्ट अ स्टार्टअप. यार इसमें ना मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा आपको, वी विल हैव अ क्यू एंड ए आफ्टर हाफ एन आवर और 20 मिनट्स. ठीक है, सो फॉर मोहंती इफ यू आर लिसनिंग प्लीज टाइप यस इफ यू आर स्टिल ऑन द वेबिनार. ओके सो या कमिंग टू द थिंग, ठीक है कि व्हाई यू शुड फॉर दिस क्वेश्चन कि वी हैव टू सी आवर, ओके सो मोहंती वी हैव टू सी आवर अर्जेंट नीड्स. ठीक है कि अभी हमें क्या रिक्वायर्ड है. सो इफ यू सेड कि फैमिली कंडीशन इज क्वाइट पुअर देन आई वुड सजेस्ट कि गो फॉर अ जॉब इन एनी केस, एनी डे गो फॉर अ जॉब. ठीक है, स्टार्टअप वुड बी अनसर्टेन, यू फर्स्ट हैव टू लुक आफ्टर योर सेल्फ, योर पेरेंट्स एंड योर फैमिली. सो डोंट टेक अ रिस्क, डू समथिंग लाइक जो कॉर्पोरेट जॉब इफ यू आर करेंटली डूइंग टू गो फॉर दैट. ठीक है, if you are a college student as of now, if you are still studying in college, then prepare for a job because job will give you a certainty ki at least you will get this much amount of income. Then do the job for 3-4 years jab ek bar family conditions thodi theek ho jaye, when you are something online, after that start it. Theek hai, okay. So now coming to next thing ki I want to start up again. Now next thing is why shall we have a mentor? ठीक है, thing is कि यार हम startup तो खुद ही कर लेंगे यार, 21st century के बच्चे हैं, हमारे पास internet है, हमारे पास YouTube है, तो यार why should we have a mentor? Why should we there anyone who guides us through the process? Why should we have anyone who tells at every step कि ऐसे करो ऐसे मत करो, who advise us kind of. ठीक है, सो यहाँ पे जो लोग हैं उनको पता होगा देर इज अ थिंग विच वी कॉल ग्रोथ कर्व. ठीक है, सो या देर इज एन ऑप्शन, देर इज अ थिंग कॉल्ड ग्रोथ कर्व. सो वॉट हैपेंस इज दैट इफ यू आर वर्किंग विद अ मेंटोर, इफ देर इज समवन हु गाइड्स यू. सो अभी क्या है कि व्हेन आई हैड स्टार्टेड द स्टार्टअप्स, तो माई ग्रोथ कर्व वॉज MX+C, इट वॉज अ स्ट्रेट लाइन. आई यूज टू वर्क, आई यूज टू लर्न न्यू थिंग्स and I used to move to the another thing, I used to do that, I used to learn that. ठीक है, so the growth curve was a very stagnant growth curve, like it was जितना time लगाया उतनी चीजें सीखी. but now if you have a mentor then your growth curve will be e raised to the power x, which we called hockey stick curve or candlelight curve, whatever you say in different languages.
The reason being ki jo mentor hai, he has already worked on the different domains, different problems that you have worked for a long period of time. So he knows ki where you will be going to do some mistakes, kya issues aa sakte hain, and all. Ha, for Nitin, J curve keh lo, candlelight curve keh lo, ya fir you can say hockey step curve, ya fir simple enough lo, to e raised to the power x ka jo curve hota hai, exponential growth. What I want to say, it will be an exponential growth. The reason being ki jo aapka mentor hoga, he has already worked in different domains. He has already an experience of 10, 15 years, either be it in a job or be it in a startup or be it in entrepreneurship, be it in finance, anything. So the thing is ki what he will do, he will teach you. Okay, so yeah, Deepak, we will come to your question. That is the next thing, how to find mentors for specific startups. We will come to that part. Just give me 5 more minutes, right? So that's why you need a mentor who will guide you throughout the whole process. Now, coming to the next thing, jo maine pehle bola tha ki yahan pe agar koi, yahan pe abhi kitne coders hain, just type hello, hi or yes, jo log coding karte hain abhi. Matlab, theek hai. So yeah, there are coders here, theek hai, right. So okay, maine bola tha na ki coding se kaise paisa kamaya jaye. Still a learner, yes, okay, Shivendu, it's all right, like we all are learners, we keep learning, right? So okay, coming to the thing ki coding se paisa kaise kamaya jaye, and I had told ki I'll give you guys an example of analog. Now what happened ki aise hi mere paas ek random banda aaya, he said ki bro, I need a website and I need an app also, I need an iOS app also. तो मैंने कहा चलो यार ठीक है हो जाएगा. मतलब मैं किसी कोडर को उस टाइम पर्सनली नहीं जानता था जो ये तीनों चीजें बनाकर उसे दे दे. सो मैंने ऐसे ही रैंडम अलग अलग जगह पोस्ट डाले कि आई एम लुकिंग फॉर सच अ कोडर एंड आई हिट अप ऑन अ गाई नेम्ड हिमांशु फ्रॉम इंदौर. सो मैंने उसको बोला भाई देख तू अपनी टीम बना 7-8 लोगों की एंड मैं तेरे को क्लाइंट ला के दूंगा. वी विल फॉर्म अप अ कंपनी नेम्ड एज द एनालॉग एंड वी विल डू द फ्रीलांसिंग थिंग. सो मैंने ऊपर स्लाइड में भी लिखा था एनालॉग इज नथिंग, इट्स जस्ट अ सिंपल IT firm. So when we started analog, we started it on 31st of December 2019. That was last day of 2019. So in the past, I think what's the date today? 10 tarikh hai na, to like 40 din mein humne lagbhag 5 lakh ka kaam utha rakha hai and abhi probable orders aur aa rahe hain, theek hai. So the thing is, we don't have our website, we don't have our social media page and we don't have our app. We have nothing. And still we are getting clients, we are getting orders. Okay. And what we are doing? We are not doing anything very new. We are not doing anything innovative. It's just a simple IT firm. Okay. So jo yahan par coders hain abhi, jo freelancing kar rahe hain. ठीक है यार एक एक करके क्वेश्चन पे आते हैं. ठीक है जस्ट गिव मी 5 to 10 मोर मिनट्स टू रैप अप द सेशन एंड देन वी विल कम अप टू द क्वेश्चंस. ठीक है जो भी क्वेश्चंस है लोगों के देन वी कैन स्टार्ट डूइंग दैट पार्ट. या सो दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग द टॉपिक. यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ मनी, यू जस्ट नीड अप टू 10,000 बक्स ओनली टू स्टार्ट अ स्टार्टअप. हाँ अब कल का किसी का मन है कि मैं फ्यूजन जनरेटर बनाऊंगा तो ऑफकोर्स यू विल नीड अ हार्डकोर पैसा इन टू दैट थिंग. But if you are starting a startup, you are in college, it's a SaaS based startup, let's say you are not selling a product and all, then you don't need a lot of hi-fi things. Okay. And coming to the part, how to find mentors. Yeah, I think I'm not clearly visible, jo mujhe abhi realize hua. Okay. I hope I'm now visible, right? Now, coming to the question ki how to find mentors. So LinkedIn is the best place. LinkedIn पे लोगों को आप फॉलो करो, सी वॉट पीपल आर देयर ऑन LinkedIn, वो लोग क्या पोस्ट कर रहे हैं LinkedIn पे. यू विल हैव टू फॉलो अ लॉट ऑफ पीपल, यू विल हैव टू सी देयर डोमेन एक्सपर्टीज, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड हाउ दे थिंक एंड देन यू विल हैव टू अप्रोच देम कि सर आई एम लुकिंग फॉर अ पर्सन हु कैन, आई एम अ कॉलेज स्टूडेंट, आई एम स्टार्टिंग अ स्टार्टअप और विद एनी गुड ग्रीटिंग. एंड जनरली पीपल लाइक टू हेल्प other people, you know, they say empower others to get empowered. So people like to help other people. So yeah, you will find a good mentor. And this was someone's questions actually, ki how to find a mentor. So of course, use LinkedIn. LinkedIn is a very good platform for finding mentor, for finding professional people. Okay, we guys can also connect over LinkedIn, of course. So
Yeah, that's why mentor is necessary. And coming to the last topic, that is stay aware of the frauds. तो अभी क्या है कि मैंने ecosystem में बहुत सारे लोगों को देखा है जो क्या कहते हैं कि like there is this company, I won't take its name, मतलब वो defamation का case हो सकता है kind of, ठीक है. So there is this company, its name start with N and its name end with L, you guys can search for it. So इन्होंने क्या किया, they said कि हम लोगों को सिखाएंगे, we will teach people how to start a startup and we will mentor them, we will incubate them, and they took in like 10-15 or I think 100, 100 logon ne apply kiya, unhone sabko le liya, and uske baad wo kya karwa rahe hain, lag gaye ki wo apne courses un students ko jinko unhone mentor karne ke liye liya tha, unko bola bhai ab tum mere courses bhejo, theek hai. So there are people like that ki jo aapka like time kharab karne ki puri koshish karenge. So you will have to first see, you will have to judge the people, you will have to follow them for quite some time. 2-3 mahine aap follow karo jin logon mein aap interested ho over LinkedIn or over any other platform, theek hai. Go to meetups, jo bahut sare meetups hote hain, agar koi Delhi se hai, Bombay se hai, Bangalore se hai, so a lot of meetups do happen in Delhi, Mumbai and Bangalore. So go to those meetups and all. So वहां पे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनसे आप इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है. सो दीज आर द वेज हाउ टू फाइंड अ मेंटोर, एंड मेंटोर प्लेज लाइक अभी भी वही स्लाइड खुली है, e-raised to the power x. तो या सो दैट वाज ऑल फॉर माय साइड. आई थिंक यार मैंने काफी जल्दी निपटा दिया, लाइक ठीक है, मैंने सिर्फ टॉपिक टॉपिक की ही बातें की हैं. सो एक बार हम इसको पूरा क्रक्स करते हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक. How to start up in 10,000 bucks. That was the topic. So the pehli cheez humne discuss ki thi, that was about me. Theek hai. Wo ek bar ho chuka hai. Then second thing humne jo discuss ki, that was how to, why to take risk. Again, I'm repeating, you guys don't have any liabilities as of now. Theek hai. Aapke upar koi karz nahi hai. You guys don't have debt. You guys don't have to pay for anyone. You guys don't like. कोई लाइबिलिटी ही नहीं है अभी आपके ऊपर. यू विल सी अभी घर वाले पॉकेट मनी देते हैं, कॉलेज की फीस जाती है. सो या दैट्स व्हाई यू शुड टेक रिस्क राइट नाउ, बिकॉज इवन इफ यू फेल यू विल गेट अ जॉब. अगेन, जॉब से स्टार्टअप में स्विच करना, दैट्स अ डिफिकल्ट थिंग टू डू, बिकॉज यार पर मंथ की सैलरी आ रही होगी, घर वालों को मतलब सैलरी मिल रही होगी, रहना खाना और ये सब होगा. सो दैट विल बी अ हार्ड थिंग टू डू, ठीक है. अगेन, सो दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी राइट टाइम टू टेक रिस्क फ्रॉम योर साइड. And coming to next thing, the next topic was ki why should not we wait for 5-6 years and then start a startup. Of course you guys can do that, but wahi baat hai, it would be tougher, theek hai. It would be pretty tougher to do that thing, cause the first thing is ki you will have a family to take care of, leaving such a job jo hai. Leaving a job and such thing, ठीक है, तो that will be a bit hard on you guys. And last thing is कि stay aware of the fraudster in the ecosystem. अगर कोई भी बोले कि भाई मैं आपका आप आ जाओ मेरे पास एंड मैं $1 million, $1 billion बना दूंगा, so ऐसा बिल्कुल भी यार कोई ऐसा नहीं कर सकता है. अगर हम food tech के ऊपर देखें, सो फूड टेक में लास्ट 4 साल में या 6 साल में लगभग 400 स्टार्टअप्स आए थे. एंड अगर अभी हमें याद होगा तो वी हैव जस्ट जोमैटो, स्विगी, ये दो नाम है हमारे दिमाग में. उबर ईट्स अभी सेल आउट हो गई, जोमैटो ने खरीद लिया. सो यू सी लाइक थिंग इज कि आउट ऑफ एवरी 400 स्टार्टअप ओनली 3 या 4 स्टार्टअप सक्सीड होते हैं, ठीक है. सो स्टार्टअप्स आर प्रिटी रिस्की, बट देन अगेन यू शुड हैव अ यू नो इट्स हाई रिस्क हाई गेन इफ यू टेक द रिस्क. अगर मैं अगर अभी अपनी वैल्यूएशन की बात करूं, सो करेंटली आई हैव माय पर्सनल वैल्यूएशन इज क्लोज टू 4.5 crores एंड आई एम स्टिल 21, आई एम स्टिल अ कॉलेज किडो. तो मेरे जैसे बंदे के लिए 4.5 crores इज अ वेरी वेरी गुड अमाउंट किया, ठीक है. 4.5 crores की एसेट्स हैं. सो या दैट्स द थिंग. कॉलेज प्लेसमेंट्स हो रही थी, मैं 4th ईयर में हूँ, तो दैट वॉज लाइक पहला जॉब ऑफर वॉज फॉर 8 lakhs एंड अनदर वॉज फॉर 14 lakhs, ठीक है. सो अगर मैंने रिस्क नहीं लिया होता एंड मैं बैठ गया होता कि चलो यार कॉलेज प्लेसमेंट्स में ही बैठते हैं, जॉब कर लेते, तो अभी वो एसेट की वैल्यू नहीं बन पाती, ठीक है. सो दैट्स वन थिंग कि इट्स अ हाई रिस्क हाई गेन थिंग. यू हैव टू टेक रिस्क, यू विल गेन हाई, इवन इफ यू विल फेल यू विल गेट अ जॉब. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग.
नाउ कमिंग टू नेक्स्ट थिंग कि अभी अगर किसी को कुछ कुछ पूछना है तो वो लोग पूछते जाओ, एंड देन वी विल कम टू द नेक्स्ट टॉपिक कि हाउ टू बिल्ड योर लिंक्डइन पोर्टफोलियो, हाउ टू यूज लिंक्डइन, हाउ टू लीवरेज लिंक्डइन, ठीक है? क्योंकि ये दो तीन लोगों के क्वेश्चंस आए हैं. ओके, सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम आदित्य कि हाउ टू मेक मैन पावर फॉर स्टार्टअप. ओके यार, फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू आस्क, मैन पावर से व्हाट यू आर आस्किंग? यू वांट सेल्स के लोग या फिर यू वांट अ कोर टीम? आदित्य कुमार प्लीज टेल, यू वांट अ सेल्स की टीम और व्हाट? हाउ टू मेक अ टीम? ओके सो यार, कमिंग टू दैट थिंग अबाउट बोथ. ओके सो यार सी, फर्स्ट थिंग इज कि व्हेन यू स्टार्ट अ स्टार्टअप और व्हेन यू आर प्लानिंग टू स्टार्टअप, यू नीड अ टीम. बिकॉज स्टार्टअप में चार पांच काम होंगे. सॉरी फॉर माई इल हेल्थ गाइज, मैं लास्ट 20-25 दिन से लगातार बीमार हूँ. इट्स ड्राई कफ एंड कोल्ड, ठीक है? ओके सो आई विल लाइक टू टॉक अबाउट दीज 3-4 थिंग्स. द फर्स्ट इज हाउ टू मेक अ टीम इन योर स्टार्टअप, दैट इज द कोर टीम. हाउ टू फाइंड अ को फाउंडर एंड हाउ टू फाइंड अ मैन पावर फॉर स्टार्टअप, ठीक है? ओके यार, अभी 2 मिनट के लिए रुक जाओ. लेट्स डिस्कस दीज 3 थिंग्स जो अभी पहले के क्वेश्चन आ गए हैं, एंड अभी उसके बाद इन दोनों क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है? सो 3 थिंग्स दैट वी आर गोना डिस्कस. द फर्स्ट वन इज हाउ टू मेक अ कोर टीम, हाउ टू फाइंड अ को फाउंडर, एंड देन थर्ड थिंग इज हाउ टू फाइंड द सेल्स गाइज और द मैन पावर और द गाइज हु विल रन द स्टार्टअप एट ग्राउंड लेवल. ओके सो स्विगी का नाम सबने सुना होगा. सो सेल्स पार्ट के लिए मैं बता रहा हूँ ये चीज. सो स्विगी का जो फाउंडर है, ही इज अ बिलियनियर नाउ. मतलब $1 बिलियन इज समथिंग 100 मिलियन, $1 मिलियन इज 7 करोड़, तो $1 बिलियन इज समथिंग 7,000 करोड़, ठीक है? तो उस लेवल का जो बंदा है, दो जब स्विगी स्टार्ट हुई थी, सो ही यूज टू डू डिलीवरीज हिमसेल्फ, ठीक है? तो या इफ यू आर स्टार्टिंग अ स्टार्टअप, यू विल हैव टू बी वेरी मैड अबाउट द वर्क यू गाइज विल बी डूइंग, ठीक है? सो कमिंग टू द फर्स्ट थिंग, दैट इज हाउ टू मेक अ कोर टीम. तो कोर टीम जनरली यू विल फाइंड इन कॉलेज, मीटअप्स में जाओ. उसके बाद क्या होगा, वेन यू विल अप्रोच पीपल की यार ज्वाइन माई. ओके सो साई की तरफ से क्वेश्चन है, बिकॉज फाइंडिंग द ट्रस्टवर्दी पीपल विद सिमिलर माइंड सेट हु विल स्टे विद यू इन द लॉन्ग रन इज डैम हार्ड. या दैट्स अ वेरी क्लियर थिंग, ठीक है? इट्स प्रिटी हार्ड ऑफकोर्स. इवन इन आर फर्स्ट स्टार्टअप जो कनेक्ट माई ईडीयू नाम से था, आई हैड 3 टीम्स. पहली बार वॉट आई डिड, कॉलेज के जो फ्रेंड्स थे मेरे, आई प्रपोज देम कि यार तुम लोग आओ, तुम लोग ज्वाइन करो एंड वी विल स्टार्ट. सो वी दे स्टार्टेड एंड दे लेफ्ट आफ्टर 6-7 मंथ्स. Then there was another guy with whom who joined as a co-founder, and then he also left, and then the final guy who joined, and we carried out this thing. ठीक है? And हाँ, college people are not serious, but you will find यार, मतलब 1-2% लोग होते हैं जिनको करना ही करना है, कुछ अलग सा करना होता है. So the best places to find like-minded people are, first is go to different startup meetups. बहुत सारे मीटअप्स होते हैं अलग अलग, जहाँ पे स्टार्टअप एंथुजियास्ट होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, दे आर लुकिंग फॉर स्टार्टअप्स टू ज्वाइन, दे आर लुकिंग टू स्टार्ट देयर ओन स्टार्टअप एंड ऑल. सो गो टू दोज मीटअप्स. जस्ट गिव मी वन मोमेंट यार, आई नीड सम वाटर, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. या सो द फर्स्ट थिंग इज कि go to a lot of meetups. Jitne zyada meetups mein jaoge, you guys will meet more and more number of people, and you guys will it. Kyunki jo startup meetup mein aa raha hai na, 200 rupaye laga ke aur sunday ki chutti barbaad karke aur 100-150 rupaye traveling mein laga kar, so that guy is somewhat more serious. To wahan pe jo crowd hoga un logo ka, wo jo 10 20 25 ya 50 100 jitne bhi log honge, they would be much more serious than the other people ya jo aap log college mein khojoge. सो जो लोग दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई एंड ऐसी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रह रहे हैं, तो दे हैव दिस एडेड एडवांटेज कि दे कैन गो टू अ लॉट ऑफ मीटअप्स एंड देयर दे कैन फाइंड लाइक माइंडेड पीपल. सो दिस इज वन वे. सेकेंड वे इज योर लिंक्डइन. लिंक्डइन इज अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म, एंड वंस यू हैव अ गुड रीच ओवर लिंक्डइन, तो यू गाइज कैन पोस्ट कि आई एम लुकिंग फॉर अ को फाउंडर, आई एम लुकिंग टू बिल्ड माई टीम फॉर पीपल टू रन माई स्टार्टअप. अब सवाल ये आता है कि लेट्स से यू आर अ सोल फाउंडर एंड यू आर अप्रोचिंग पीपल, ठीक है, कि ज्वाइन माय स्टार्टअप एंड ऑल. सो दे विल आस्क वन क्वेश्चन, इज दैट कि या सो
Okay, let me just complete. So what will happen ki when you approach someone ki yaar join my startup, be my co-founder, so they will ask ki bhai tune kya kiya hai background mein, theek hai, what have you done in the background. So you will have to show ki bhai dekh ye mera idea tha, I have done this market research, I have gathered this data, I have made this website. Chahe Wix pe bana lo, but website bana li tumne, theek hai, WordPress pe bana li, but you have this website. So when you will show these things to the people whom you are asking, to unko bhi ek bharosa hoga ki yaar jo banda mujhe pitch kar raha hai join karne ke liye mera kaam, he is a serious guy and he is pitching seriously, theek hai. So then the probability will increase, theek hai. So meetups is one thing. Okay, so Sai has asked another question. So yeah, it's not necessary, theek hai, it's not necessary that everyone who is coming into a meetup has a startup. And then there are people who are looking to work on multiple startups also. Then there are students who are just entering into the domain and they are in the meetup just to understand kya hota hai, kaise hota hai. So surely, matlab, you will find people. Plus, we say your network is your net worth. So aapka jitna network hoga, yeah, network mark, ek second, theek hai. So your network is your net worth. So aapka jitna vast network hoga, उतना ज्यादा बेटर है कल को स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए, ठीक है. सो वी हैव दीज टू थिंग्स टू फाइंड अ कोफाउंडर, टू मेक द कोर टीम, गो टू इवेंट, योर फ्रेंड्स एंड लिंक्डइन. इन तीनों प्लेटफॉर्म से आपकी कोर टीम बन जाती है स्टार्टअप्स की, जनरली यही होता है. अगेन कमिंग टू द क्वेश्चन बाय शिवम, इज नेटवर्क मार्केटिंग ऑल्सो बिजनेस और स्टार्टअप? ब्रो, नेटवर्क मार्केटिंग इज द वर्स्ट थिंग यू विल डू इन इंडिया एटलीस्ट, ठीक है. इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बेकार चीज है, मत फंसना इस चीज में, ठीक है. वो सपने दिखा देंगे कि 2 साल में मर्सिडीज होगी आपके पास, उनसे पूछना कि सर आपकी मर्सिडीज कहाँ है वो तो दिखाओ पहले जरा, ठीक है. सो नेटवर्क मार्केटिंग इज नाइदर अ स्टार्टअप नॉर अ बिजनेस, ठीक है. सो इट विल टीच यू सेल्स. या साई ने भी बोला है प्लीज नेवर एवर गो टू नेटवर्क मार्केटिंग. मतलब यू कैन, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में जा रहे हो तो आप ये सोच कर जाओ कि यू विल लर्न गुड सेल्स, क्योंकि वहां आपको ऑन ग्राउंड सेल्स करना है. बट यार वो एथिकल नहीं है, ठीक है. मतलब आप लोगों का उसमें एक तरह से उल्लू बना रहे हो कि 2 साल में मर्सिडीज आ जाएगी, 4 साल में बंगला होगा आपका, ठीक है. सो दिस इज द थिंग कि डोंट ट्राई दैट आउट यार. अनएथिकल करोगे ना तो वो कभी ना कभी इट रिटर्न्स बैक टिट फॉर टैट होता ही है. सो डोंट गो फॉर नेटवर्क मार्केटिंग. नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट अ बिजनेस, इट्स नॉट अ स्टार्टअप. Now coming to the question from Rishabh, do the core team members have to think on similar lines as us or as us or have different thinking in order to have diverse views? Yaar core team mein jitne diverse views hai na utna acha hai, kyunki agar sab koi aapki hi baat maan raha hai and aapke hi hisab se chal raha hai, theek hai, तो क्या होगा कि यार आपको सिर्फ एक ही तरफ से दिखेगा. बट अगर सबके डाइवर्स व्यूज हैं तो दे विल सी थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, दे विल सजेस्ट डिफरेंट थिंग्स जो आप कर सकते हो स्टार्टअप में, डिफरेंट मिस्टेक्स को आप रेक्टिफाई कर सकते हो, ठीक है. एंड दैट विल मेक योर प्रोडक्ट मच मोर बेटर कंपेयर टू अगर सब लोग आप ही की थिंकिंग के हिसाब से चल रहे होंगे तो. सो या एंड any other question guys, so after that we'll come to the LinkedIn part, ki how to grow your LinkedIn and how to focus on your LinkedIn and all these things. Like anyone, okay. So yeah, coming to the next thing, that is LinkedIn, how to use LinkedIn, ठीक है. So yeah, LinkedIn is a very important platform in today's time. अभी का क्या scene है कि LinkedIn is one of the most professional platform. Again with that, LinkedIn की जो अभी रीच आ रही है, सो अभी दो और क्वेश्चन है, हाउ टू मैनेज कॉलेज स्टडी एंड स्टार्टअप वर्क, ठीक है. सो इट डिपेंड्स, इफ यू गाइज आर स्टडिंग इन सम प्राइवेट कॉलेज और सो, तो यार अगर इफ यू गाइज आर डूइंग इंजीनियरिंग, ठीक है. सो इफ यू गाइज आर डूइंग इंजीनियरिंग तो यू गाइज डोंट हैव टू स्टडी, आपको भी पता ही होगा, ठीक है. ऑल्सो विद स्कूल स्टडीज, हाँ ठीक है, ओके. पहले हम एक बार बात करते हैं, एनोनेट का ऑप्शन है या मैं लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल ठीक है. सो ओके, मैं एक बार पहले कॉलेज वालों की बात करता हूँ कि जो लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके. आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, मैं एक एक करके आता हूँ. सो दिस क्वेश्चन इज दैट हाउ टू मैनेज कॉलेज स्टडी एंड स्टार्टअप वर्क, ओके. सो मैं इंजीनियरिंग की बात करता हूँ,
इंजीनियरिंग में वी हैव 6 सब्जेक्ट्स एवरी सेमेस्टर, ओके, मल्टीप्लाइड बाई वी हैव 2 सेमेस्टर्स, यानी कि वॉट वी हैव दिस थिंग, वी हैव 12 सब्जेक्ट्स पर ईयर एंड दिस इज फॉर 4 ईयर्स, ठीक है. अगर मैं कहीं गलत जा रहा हूँ इंजीनियरिंग वालों तो बताना मुझे. यानी कि वॉट वी हैव 48 सब्जेक्ट्स. यार थोड़ी राइटिंग गंदी है, ठीक है, स्टाइलस नहीं है अभी मेरे पास इसीलिए. ओके, अब मैं क्या कहता हूँ यार, ठीक है, मुझे 4 साल में 48 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, आई हैव टू स्टडी 48 सब्जेक्ट इन 4 ईयर्स. हम इंजीनियरिंग वाले हैं, हम मैक्सिमम 10 आवर्स देते हैं एक सब्जेक्ट को. मैं मान के चलता हूँ तुम पढ़ाकू बच्चे हो, तुम दे देते हो 20 आवर्स ईच सब्जेक्ट, ठीक है. और मैं मान के चलता हूँ 50 सब्जेक्ट्स थे तो पर सब्जेक्ट तुमने 20 आवर्स दिए, क्योंकि हम एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ के जाते हैं, ठीक है, ये हमें भी पता है. सो हाउ मच टाइम यू आर गिविंग, 4 साल में हमने 5 to 10, 10 और 20, ओनली 1000 आवर इज रिक्वायर्ड, ठीक है. टू गेट एन इंजीनियरिंग डिग्री यू जस्ट नीड 1000 आवर्स. So this is how you will have to do. You will have to schedule things. You will have to see ki what matters more, your startup or the college study you are doing. If you want to join a job, focus a bit on coding and the same college studies. If you are looking to have your startup, then just chill out or full-time startup karo, bas pass ho jana, theek hai. So yeah, I hope, matlab ye cheez abhi sabko dikh rahi hogi. You just need 1000 hours, theek hai. Okay, so now let me clear this thing up. कैसे clear all drawings, awesome, ठीक है. Okay, now coming to next thing that is asked by Sunil, how to get topic of startup. There is no sure shot way to get topic for a startup, ठीक है. Just start doing multiple things and you will find what you like, ठीक है. Plus कहीं ना कहीं हमारे अंदर होता है कि यार इस चीज के ऊपर एक startup करना है. सेकेंड थिंग इज कि अगर ऐसा कोई आइडिया नहीं है एंड स्टिल यू वॉन्ट टू हैव अ स्टार्टअप एंड ऑल, तो डू वन थिंग कि यहाँ टेक्स्ट आ रहा है ना, ठीक है, ग्रेट. सो या डू वन थिंग दैट एनालाइज द एनवायरमेंट, ठीक है. सुनील कुमार, आई एम रिप्लाइंग टू योर क्वेश्चन, दैट इज हाउ टू गेट टॉपिक फॉर माई स्टार्टअप. सो लेट्स सी यू डोंट हैव एनीथिंग इन योर माइंड, सो डू वन थिंग इज दैट जस्ट सी वॉट इज हैपनिंग इन द एनवायरमेंट, वॉट आर द इश्यूज इन द एनवायरमेंट, ठीक है. How you can rectify them, then see ki do a competitive study, kaun kar raha hai, kaise kar raha hai, and if you see a opportunity that is big enough, then you can work on that thing, theek hai. So yeah, there are only two, I think there are 2 ways to get topic for your startup. The first one is analyze the environment and see the problem statement, find a solution for that. The second way is I'll just write it down. First way one is, step A is what? Analyze the environment. NBI. Okay, analyze the environment and find a solution and deploy. This is first way. And the second way that we have is अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना या नोट डाउन करना है तो वो कर सकते हैं. द सेकंड वे, वी हैव दिस थिंग इन आवर माइंड्स, ठीक है. ये हमें पता होता है कि व्हाट वी वांट टू स्टार्ट अप. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट थिंग दैट इज आस्क्ड बाय प्रो टू एवरीवन, सो डू वी हैव टू वरी अबाउट CGPA इन कॉलेज. यार सी, इफ यू आर नॉट लुकिंग फॉर जॉब एंड इफ यू आर नॉट लुकिंग फॉर हायर एजुकेशन, देन डोंट वरी फॉर CGPA. मेरी अपनी CGPA बता देता हूँ. फर्स्ट ईयर में इट वॉज 5.8, सेकेंड ईयर में इट वॉज 5.6 एंड थर्ड ईयर में इट इज 5.4, ठीक है. बट थिंग इज कि अगर आप एक तरफ से छुट्टी ले रहे हो कि यार मैं कॉलेज का कम पढ़ूंगा एंड मैं CGPA कम लाऊंगा, तो दूसरी साइड यानी कि स्टार्टअप की साइड यू शुड गेट सम रिजल्ट्स, ठीक है. ऐसा ना हो जाए कि ना आपने कॉलेज की पढ़ाई की, ना आपने स्टार्टअप किया एंड ना आपकी कोडिंग चली. तो यू हैव टू सी कि अगर आप कॉलेज स्टडीज नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट आप कुछ तो कर रहे हो जिससे आपको कुछ रिजल्ट्स आ रहा हो, ठीक है. सो यस, यू डोंट हैव टू वरी मच अबाउट CGPA. ट्राई टू कीप इट अबव, लाइक एट अ मिनिमम ट्राई टू कीप इट एट 7.0. दैट विल बी वेरी गुड. इफ यू आर डूइंग अ स्टार्टअप एंड यू हैव 7 CGPA, तो इट्स वेरी गुड, ठीक है.
So the next question is from Aditya. Okay, also with school studies, yeah, school mein to mujhe jitna yaad hai, we don't have to study a lot. Agar 3 mahine, agar if you study well, to 3 mahine is more than enough, theek hai? 3 mahine mein you can finish up the whole syllabus. So what you can do, ki bhai 3 mahine baithe, 3 mahine mein pura syllabus niptaya tumne, aur what after that, ki bas paper se ek din pehle padh liya. So you can handle your school studies in this way. Coming to the question by Prachurya, how to handle conflict due to diverse thinking in a startup? Beer cafe mein beer pila do bro, matlab, theek hai, chill hai, koi maar kaat ki baat nahi hoti hai. Don't shout on anyone, just handle it calmly. Agar, let's say you have 3 people in your startup, there are 3 co-founders of a startup, and you guys are fighting ki yaar, kiske hisab se chalna chahiye, to har option ki SWOT analysis kar lo, and then see ki pros and cons dekho har option ke, and then see ki which will be the best thing to start, theek hai? So conflict resolve karna is a thing, ye depend karta hai ki kitni understanding hai, theek hai, ek dusre ki kitni dependency hai ek dusre ke upar, in cheezon pe depend karta hai. So if you have a conflict, to you know, be the bigger guy, act a bit mature. Unse ye poocho ki ladne ke bajaye ye poocho ki yaar tum ye options de rahe ho, market study karo un option ki, pros and cons banao, and jo best cheez ho usko follow karo, theek hai? Follow the logical part, don't be emotional in case of a startup, theek hai? So this is how you handle a conflict, ki agar kal ko ladai ho rahi hai founder co founder mein, to ek to legal terms hote hi hote hain which dictates ki kiske kitne right honge, kiska kya veto and all such thing. Second thing is act maturely with your teammates, kyunki kal ko unhi ke sath aapko kaam karna hai. Next question is, I'm a programmer myself, but the idea that I have, Shivam, I'm a programmer myself, but the ideas that I have for startup needs languages out of my expertise. So is it okay to get someone who is proficient in that language or to learn that skill yourself? Okay. So see, Shivam Bhardwaj, if you are thinking ki yaar main long term mein ye kaam karna chahunga, to you can learn the skill yourself. This will be the best thing, because you have to start that thing, and if it's a technical platform, it's a SaaS based platform, so it would be awesome ki you can control the things, you should know ki how to do those things, theek hai? So yeah, that will be much better ki if you learn that skill yourself and then deploy, theek hai? Because you said you are a programmer, so koi bahut zyada time nahi lagega switching in from one thing to different thing, maybe 6 se 8 mahine at maximum. Of course, you can get you can outsource the work, of course, to any company and it will deliver it to you. So that's also a very viable option. But if you can learn, then learn. If you can't learn, then outsource it to someone. ठीक है, क्योंकि हर चीज हम खुद नहीं कर सकते हैं. Because you will be having to look at the finances, you will be looking at the sales part, you will be looking at the business development, the clientele part. The sales part is the most important in a startup. क्योंकि यार प्लेटफॉर्म आज के टाइम पे कोई भी बना लेता है, ठीक है, दैट्स नॉट अ वेरी बिग डील आज के टाइम पे. थिंग इज अबाउट द सेल्स पार्ट, तो यू विल बी लुकिंग अबाउट मल्टीपल थिंग्स. सो या, इफ यू कैन लर्न द स्किल योरसेल्फ, इट विल बी वेरी गुड. इफ यू कांट लर्न द स्किल योरसेल्फ, तो ऑफकोर्स यू कैन आउटसोर्स द वर्क एंड यू कैन गो, यू कैन हायर समवन, ठीक है? सो दोज आर प्रिटी गुड ऑप्शंस. Right, theek hai, don't worry, you can't do everything yourself in a startup, you'll have to hire people for different work. I hope this satisfies your query. Okay, Ankur Bansal, 36 plus 10 subjects last year. Ha, last year mein subjects kam hote hain, but theek hai na, maine to chalo acha hai na 48 ke hisab se calculate kar diya hai, theek hai. This question is from Mohanty. I'm in my first year of BSc in IT, should I take risk now? Yeah, of course, yeah. If you have some skills, you want to work in a startup, of course you should work. क्योंकि अभी तो first year चल रहा है आपका, right? तो अगर कल को कुछ नहीं भी हुआ, तो you can get a job. You will have those skills. Try to work in your own field, your own domain. If you are comfortable in coding, then try to go to coding and all. Okay, coming to the question of Srishti.
almost every product require manufacturing, which needs engineering background. So is it possible to start such a business within 10,000 rupees? Okay. So Shrishti, are you like, am I audible? So I would reply, iska explanation thoda sa lamba hai. So if you are audible, please type a yes, then I would reply. Okay. Okay, so let me give you an example. We are starting to sell socks after 4 or 5 minutes. Okay. After 4 or 5 months, we are starting a business in socks, selling socks. Matlab moje jise hum kehte hain. Right. Now, ab aap kahoge, Shrishti, now you will say ki yaar, mojo ko mujhe material dekhna padega, material science aa gaya. Then I'll have to see the designing. Then unhe mass level pe manufacture karana hoga. Theek hai. Then inventory manage karni hogi. And then I would have to sell. So, is it possible within 10,000 rupees? Okay. Now, let me tell you how we are going to do that. Theek hai. We are not doing anything. Hum kya kar rahe hain? We hired a guy in our team. Humne ka भाई तू हमारा डिजाइनर होगा. डिजाइनर को हमने इन टीम ले लिया. वी गेव हिम सम इक्विटी. नाउ व्हाट वी आस्क्ड हिम कि भाई एक काम कर, तू फोटोशॉप पे ना मुझे बना जैसे हमें बेचने हैं. नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट फोटोशॉपिंग द टाइप ऑफ सॉक्स वी वांट टू सेल. वंस वी हैव फोटोशॉप्ड एवरीथिंग, कितना पैसा लगा मुझे? INR 0 अभी तक. ठीक है, मुझे एक बंदा चाहिए जिसको फोटोशॉप आती है. मैंने उससे फोटोशॉप सीखा एंड मतलब या फिर उसको बोला कि भाई तू बना. मैंने उसको कुछ शेयर्स दे दिए कंपनी के. ही इज मेकिंग द डिजाइन. वंस द डिजाइन आर रेडी, व्हाट आई डिड, मैं कस्टमर्स के पास गया. अभी वही बात चल रही है, हाउ टू स्टार्ट सच अ बिजनेस विद इन 10,000 bucks. ठीक है, मैं कस्टमर्स के पास गया और ज्यादा नहीं, मैंने 50 या 60 प्री ऑर्डर्स ले लिए. तो अभी तक मेरा 1 रुपया भी खर्चा नहीं हुआ है. एंड मेरे पास, चलो मानता हूँ मैं 300 रुपए के भी अगर मुझे बेचता हूँ, ठीक है, let me take the pen or something. ठीक है, let's say कि okay, just take second. Okay. Okay, so here is a text option. So what I did, मैंने क्या किया, product का prototype develop कर लिया on Photoshop. उसके बाद second मैंने क्या किया, I took pre-orders. ठीक है, अब जब मैंने pre-order ले लिया है तो मेरे startup start करने का काम तो हो ही चुका है. ठीक है, जो मुझे start करना है startup. So you ask ना, how to start a manufacturing work in 10,000. So if you are manufacturing something, then the thing is ki there must be some guys who will be buying that thing. ठीक है, okay Shivam, अभी LinkedIn पे आते हैं, बिल्कुल आते हैं. Just give me 2 more minutes. ठीक है. ठीक है, so get some pre-orders. So you have started your startup within 10,000 bucks just by using Photoshop. अगर कल को customer prototype मांगता है तो that's an issue. But ठीक है यार, 10,000 में हम सब कुछ तो नहीं कर सकते ना. Tesla अगर start करना है तो we can't start, you know, Tesla or SpaceX in 10,000 bucks. So there are things which we can start in that, like there are like 50-60% of businesses which we can start. There are businesses which we can't, but being a college student, if you can start within 10,000 bucks, so it's a very awesome thing. So for the manufacturing thing, this is the thing that I opt for. Abhi jab main mujhe bechne wala hu agar se. So what I am opting, Photoshop pe develop kiya, pre-orders lekar aage, thoda sa paisa aa gaya. Let's say agar main 200 rupaye ka bechta hu ek moja aur main 200 pre-orders bhi lekar aa jata hu, to mere paas 40,000 मेरे पास 40,000 रुपीस का कैपिटल आ गया है. ठीक है, सो या दैट्स हाउ वी डू इट. इज देयर एनी पेपर वर्क? ओके, इस पे भी आते हैं. सो आई थिंक ये हो गया. व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ सोशल प्रॉफिटेबल स्टार्टअप्स? दिस वाज आस्क्ड बाय साई. So of course, your social startups are very good. Reason being, they are making an impact. So you'll have to see one thing ki सोशल प्रॉफिट स्टार्टअप्स जो होते हैं उनसे तुरंत पैसा नहीं आता है. इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, 2-4 साल लग जाता है एटलीस्ट. जब तक आप एक इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाते हो, ठीक है, तब तक यू कांट अर्न फ्रॉम दैट थिंग. सो या ऑफ कोर्स सोशल स्टार्टअप्स आर प्रॉफिटेबल, बट नॉट इनिशियली. यू विल हैव टू फर्स्ट क्रिएट एन इम्पैक्ट. बिकॉज अभी आई वॉज अ जज इन अद्भुदय इज कंडक्टेड बाई IIT बॉम्बे. इट्स द लार्जेस्ट सोशल एंटरप्रेन्योरशिप फेस्ट इन इंडिया. So I saw a lot of startups which worked on social issues.
which had great idea and somewhere also generating good revenue. ठीक है, so yeah, social thing is ki it will impact a large number of people, so it can be good in terms of profit, but it would take at least 1 to 2 years till the people don't see the impact by themselves. ठीक है, so of course Sai, you can go for that thing if you have something in your mind. Coming to the next question, I am a programmer myself, but the ideas, okay, so हमने इसके बारे में बात कर ली है. So next question is from Aditya, how to convince the customer if you are underage and they are asking what all degrees you have. So yeah, one thing is ki if you are talking, thoda yaar dekho jhooth woot apne ko bhi bolna padta hai startups mein. So if you are talking to the customer on call or if you are talking to the customer via Skype or any such medium where you guys are not meeting directly, then if you think ki yaar wo maang raha hai to bol do ki haan theek hai sir, I'm a college grad and I theek hai, I'm in fourth year of college. Matlab ab school mein ho to bilkul ye mat bol dena ki 4 saal job kar chuka hu, wo thoda zyada ho jayega. ठीक है, बट थोड़ा बहुत यार झूठ तो अपने को बोलना पड़ता है अगर सेल्स करनी है तो. प्लस सेकंड थिंग, टेल द कस्टमर कि सर आपको सर्विस उतनी मिल जाएगी जितनी आप मांग रहे हो, उससे ज्यादा ही मिलेगी. नहीं मिलती है तो आई विल रिटर्न डबल द मनी यू आर पेइंग मी. ठीक है, सो शो द कस्टमर्स द वैल्यू दे आर गेटिंग. ठीक है, क्योंकि कोई भी कस्टमर आपके पास तभी आ रहा है बिकॉज ही इज गेटिंग चीप वर्क और चीप मतलब सस्ते में काम, ही इज गेटिंग सम वैल्यू आउट ऑफ यू. सो जस्ट ट्राई टू फोकस हिज शिफ्ट ऑन द वैल्यू दैट यू विल गिव टू हिम इंस्टेड ऑफ एनीथिंग एल्स. ठीक है, सो दिस इज हाउ, जस्ट शो हिम द वैल्यू दैट यू विल ब्रिंग टू हिम, शो हिम व्हाट ही कैन गेट आउट ऑफ यू. इवन बीइंग एन अंडर एज, जस्ट टेल हिम कि हाँ यार मैं ये करके दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है. So this is how you convince. Just try to leverage the value. Just try to show him the value ki matlab what you will bring to him. LinkedIn part pe Shivam bhai aate hain, ek bar questions khatam ho jaye. How exactly market study about something should be done? This is asked by Soumyadeep. Okay, Soumyadeep, so what we have to do is that once you know ki what product you have, what product you wanna sell, the second thing which we do is that we make a customer portfolio. We make a portfolio कि यार जैसे किसी को जेल होती है तो उसका पोर्टफोलियो बनता है ना, हाइट इतनी, वेट इतना, विड्थ इतना, सब कुछ. वैसे ही वी मेक अ पोर्टफोलियो कि हमारा प्रोडक्ट जो लेगा उसके पास क्या होगा. ठीक है, हमें इतने अच्छे से पता होना चाहिए अपने कस्टमर्स के बारे में कि अगर हम रोड पे चलते हुए किसी बंदे को देखें तो हम बता सकते हैं कि ये हमारा क्लाइंट होगा या नहीं होगा. ठीक है, तो वी मेक अ पोर्टफोलियो अबाउट आवर कस्टमर्स. When we have made a portfolio about our customer, then just go and do the offline survey. Go to people, not family member, random people. Tell them the product you guys are giving them and then ask them ki will they buy, how much they will pay and all such things. So this is how we do the market study about something. First, we make the product clear what we are giving. Second, we make the customer portfolio ki which customers are going to buy this product. किसको मैंने ये बेचना है जाकर. ठीक है, आफ्टर दैट वी जस्ट गो टू द मार्केट, टॉक टू रैंडम पीपल अबाउट योर प्रोडक्ट एंड देयर रिव्यूज ऑन योर प्रोडक्ट. दिस इज हाउ वी डू द मार्केट स्टडी. जितना बड़ा सैंपल साइज है उतना अच्छा है. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ टू टेल समवन अबाउट योर आइडिया और स्टार्टअप सो दैट ही शी वॉन्ट्स टू ज्वाइन यू. ठीक है, सो यार इसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट शो हिम कि यार फायदा है उसका. जस्ट शो हिम कि व्हाट विल बी द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट. बाकी यार व्हेन यू आर आस्किंग समवन टू ज्वाइन योर स्टार्टअप ना, तो इट मींस कि यू आर सेलिंग योर सेल्फ, यू आर सेलिंग योर स्टार्टअप कि भाई तू ज्वाइन कर ले. तो अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ सेल्स एंड किसी भी स्टार्टअप में सेल्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. सो यू मस्ट लाइक इवन इफ यू आर टेक्निकल यू मस्ट फोकस ऑन द सेल्स पार्ट. सो यू विल हैव टू थिंक कि नाउ जो बंदा ज्वाइन कर रहा है व्हाट वैल्यू ही विल गेट. ठीक है, उसको आरओआई क्या होगा, इज ही डूइंग अ जॉब, हाउ मच रिस्क ही इज टेकिंग. सो यू विल हैव टू कन्विंस हिम इफ ही इज जॉइनिंग एज अ को फाउंडर और एज अ को टीम मेंबर, बिकॉज ही विल गो फॉर अ लॉन्ग वे विद यू. एटलीस्ट 10 महीने से 3 साल वो काम करेगा. सो शो हिम द वर्क यू हैव डन टिल नाउ ऑन योर ओन. शो हिम कि इफ ही कम्स इन टू द टीम तो वॉट विल बी द ग्रोथ. शो हिम वॉट इज द फ्यूचर अपॉर्चुनिटी. शो हिम हाउ इज इट बेटर देन द जॉब ही इज डूइंग. Show him the fun in startup कि यार मजा आएगा मतलब काम करने में. So this is how you have to pitch to someone so that he or she joins the startup. ठीक है,
Okay, coming to the question by Balaji, how to decide on equity and how should we evaluate? Yeah, this is a very tricky question, ki how to decide on equity. Okay, you have to see ki how much ROI you are bringing to the company or how much profit you will like give the company. Or let's say if a person is joining your company, so, you know, like, it's actually a very tricky question. Yaar, ye negotiate karna padta hai, theek hai. You will have to see how important the role of that person is in that company. And accordingly, you will have to assign the equity. Theek hai. Now, let's say ki there is a company jiska kaam achha chal raha hai. They are having 2 crore, 3 crore ka revenue per year. And now, if you are joining them, so they will give you not more than 5 or 7% at max. Theek hai. But when you are starting up, then you will have to give more equity to the people so that they do join us. So Balaji, this is a tricky question. You will have to find out the solution yourself. You will have to, but the general way that we do is that we see the ROI that we will bring to the company before asking them for equity. Agar kaam start hi kiya hai, toh it will be better ki teen log hai agar, let's say, so equal equity pe start kar lo. Yeah, something like ek ka 60 and baki dono ka 30-30, something like that. Just see the ROI the person is bringing and how important that person is. Coming to the next question, is there any paperwork involved initially? Yeah, dekho, agar main frankly bataun, to there is no paperwork involved till you don't register your company ya jab tak aap 3 ya 4 cheeze bech rahe ho. Let's say laptop bech rahe ho, theek hai, laptop bana liya apna, 2-3 bech liya tab tak chalega, but जब आपको एज अ कंपनी एज अ ब्रांड नेम करना है तो यस पेपर वर्क इज इन्वॉल्व्ड. यू विल नीड टू हैव अ टीम ऑफ सीए, यू विल नीड टू हैव अ लीगल टीम जो कि क्लॉजेस बनाए एंड ये सारा कुछ काम करे. ठीक है, सो इनिशियली व्हेन यू आर जस्ट स्टार्टिंग दिस थिंग अप, यू आर इन द आइडिएशन फेज, यू डोंट नीड अ पावर सॉरी यू डोंट नीड एनी पेपर वर्क, यू डोंट नीड टू रजिस्टर योर कंपनी, यू डोंट नीड एनीथिंग. बट लेटर ऑन व्हेन यू वॉन्ट टू वर्क एज अ ब्रांड, then you will need a lot of paperwork. You need to get your company registered in MCA. You need to like get everything on legal terms. Kyunki yaar bahut baar ho jata hai, legal terms okay nahi hai to dikkatein ho sakti hain kafi. Theek hai, so this is the last question from Srishti. Plant and machinery for manufacturing is acquired, so cost of that needs to be included in 10,000, which I think is not possible, right? Of course, yaar, matlab abhi yahan pe machinery aur ye sab wala part hai, to wo to bilkul bhi possible nahi hai. 10,000 ka jo topic tha, that was mainly for the SaaS based startups aur aisa startup jisme capex bahut kam ho. Theek hai, like there is no capex or the capex is very low, very very low. You don't need to expense on the capital and all. So that's where we can do it. But if you're setting up a factory or machinery, then it won't be possible in 10,000 bucks. Theek hai. So that's the thing. Or either what you can do is that you can outsource the work to someone else. Theek hai, koi na koi hoga. Maybe agar, matlab, you know, like if you are doing it for the first time in India, tab to alag cheez hai. But agar isse pehle ho raha hai, to koi na koi to hoga hi, jisne pehle kiya hai ye kaam. Theek hai. Because let's say agar main aaj mujhe manufacture karne ja raha hu, to pehle se manufacturers hain, to main apna plant aur apni machinery setup nahi karunga. Main bolunga ki yaar chalo profit main thoda kam kamaunga, koi baat nahi, but main itna karne ki jagah capital expenses zyada karne ki jagah main kya karunga, main kisi aur ko de dunga ki bhai tum ye mujhe banao and do all these things. Theek hai, so this is how we do this. Okay, एडवांस. ओके, सो या आपने जो पूछा कि 10,000 के अंदर वो आता है, तो इफ यू आर सेटिंग अप योर ओन मशीनरीज एंड प्लांट, देन इट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, एंड इफ यू आर आउटसोर्सिंग द वर्क अगेन, कि आपने किसी और को दे दिया करने के लिए, तो इट इज वेरी मच पॉसिबल टू स्टार्ट इट इन ओनली 10,000 बक्स. अगेन आदित्य हैज दिस क्वेश्चन कि कस्टमर डोंट गेट रेडी टू पे इन एडवांस एज अ फ्रीलांसिंग. मना कर दो भाई इस ऑर्डर को. ठीक है, लीगल में जाओगे तो आपका भी बहुत टाइम लगेगा, प्लस जो कस्टमर सीरियस होता है फ्रीलांसिंग के काम में, वो बंदा ऑलवेज फ्रंट में 30-40% पे कर देता है. ठीक है, क्योंकि जिसको पता है कि मुझे यार ये काम करवाना है और इनसे करवाना है, वो 30% आपको दे देगा. ठीक है, और अगर कोई मना कर रहा है तो यार आप भी मना कर दो. वो कह रहा है मैं एडवांस नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि हाँ लीगल टर्म्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं. अगर वो पे नहीं करेगा तो यू कैन सू हिम इन कोर्ट, बट देन गोइंग टू द कोर्ट प्रोसीडिंग वो बहुत लंबा टाइम लेता है, जनरली पीपल डोंट डू दैट थिंग.
So that's why कि if customer is not ready to pay initially, then say sorry to the customer कि sorry, it was nice working with you, but we need at least 30% in advance to start your work. वही ये legal way है, but again going the legal way will take a lot of time. So people generally don't go the legal way. And okay, now coming to the last topic for today, that is LinkedIn. So let me try to open up my LinkedIn here. I don't know how to exit. Okay, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. मैं अपना लिंक्डइन ही खोलता हूँ. कैसे खोलना है? आई एम फेसिंग अ लिटिल बिट इश्यू हियर. जस्ट जस्ट टेक सेकेंड शेयर. स्टॉप करता हूँ मैं शेयर को आई गेस. एंड आई वॉन्ट टू गो टू माई ब्राउजर. सो इफ MFL EDUCLUB इज कंट्रोलिंग माई स्क्रीन, इट वुड बी ग्लैड इफ यू कैन टेक मी टू द गूगल क्रोम ब्राउजर. ओके, सो लिंक्डइन यहाँ खुला हुआ नहीं है साइड में. ओके, यहाँ से मैं ऐड कर लेता हूँ. राइट. ओके, सो हियर लिंक्डइन इज हियर आई गेस. ओपन ही है. कुछ कुछ चीजें हैं स्क्रीन पे. आई थिंक LinkedIn.com ही खोलना था ना बस. यार LinkedIn इज अ प्रिटी गुड प्लेटफॉर्म. सो एक बार मेरी LinkedIn आईडी खुल जाए तो मैं वहां से ही आपको तीन चार चीजें दिखाना चाहूंगा. सो कमिंग टू द फर्स्ट थिंग कि ओके, सो ठीक है यार, मतलब आधे घंटे में 1 घंटे तेरा रिक्वेस्ट आ गया. पता नहीं क्या चल रहा है आजकल LinkedIn पे. सो जस्ट लेट दिस पेज ओपन. कुछ चीजें हैं आप लोग को मैं शो करता हूँ. ठीक है. सो यार LinkedIn पे क्या होता है कि दिस इज जो ये इमेज आ रही है, जो ये फोटो आ रही है, ठीक है, दिस इज वन थिंग. अभी क्या है कि लोग लिंक्डइन को यूज कर रहे होंगे अपने मोबाइल फोन्स पे. ठीक है, ये जो फोटो आ रही है, दिस इज योर प्रोफाइल इमेज. सो लोग लिंक्डइन जनरली अपने मोबाइल्स पे यूज करते हैं या कहीं लैपटॉप्स पे यूज करते हैं. अगर मैं मैसेज का ऑप्शन खोलता हूँ साइड में, सो अभी क्या है कि यहाँ पे ना लोगों की जो इमेजेस आ रही हैं आप देख सकते होगे. अगर ये बहुत छोटी छोटी इमेजेस आ रही हैं, ठीक है, तो नाउ व्हाट आई वांट कि जब मैं खोल रहा हूँ लिंक्डइन तो मुझे ना ये चीजें क्लियरली दिखे कि जिससे मैं बात कर रहा हूँ मुझे उसका क्लियर फेस दिखे. तो दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट कि आप जो अपनी प्रोफाइल फोटो डालो दैट शुड बी प्रोफेशनल फर्स्ट थिंग. गणेश भगवान की, कुत्ते की और ऐसी कोई इमेज मत डालना. बिकॉज नो वन इज हियर टू टॉक टू अ डॉग और नो वन इज लाइक हियर टू टॉक टू लॉर्ड गणेशा. दे आर हियर टू टॉक टू आशुतोष कश्यप. सो इट वुड बी बेस्ट इफ दे कैन सी योर इमेज. ठीक है. सो द फर्स्ट थिंग इज योर प्रोफाइल इमेज. इट शुड बी लाइक प्रिटी कूल. इट शुड हैव योर फेस. इट शुड बी प्रोफेशनल. ठीक है. सेकेंड इज योर बैकग्राउंड इमेज, जो मैं डाला नहीं है अभी तक. आई हैड टू चेंज इट और मैंने अभी चेंज नहीं किया है. सो जो बैकग्राउंड इमेज हो ये, मतलब ठीक है, दिस थिंग दिस इज लाइक अ रियल स्टेट प्रॉपर्टी एक्चुअली. आप इस तरह से सोचो इसको कि दिस इज अ रियल स्टेट प्रॉपर्टी. एंड नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ पर आपको अपने आप के बारे में रिप्रेजेंट करना है. सो आप जैसे रिप्रेजेंट करो अपने आप को, सो इट वुड बी इन सच अ वे कि लोगों को आपका काम समझ आ रहा हो कि यार अगर आशुतोष कश्यप है तो व्हाट ही डज. तो आई विल बी रिप्लेसिंग इट इन सम डेज. तो यू गाइस कैन कनेक्ट ओवर एंड वॉच, मतलब जब रिप्लेस कर लिया होगा मैंने. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, दिस इज कि यहाँ पे हमने नाम डाला अपना आशुतोष कश्यप. ठीक है. अभी बहुत सारे लोग हैं जो क्या करते हैं, इसके आगे अपने डिग्रीज भी लगा देते हैं. ठीक है. अभी क्या है कि आपने लेट से लिख दिया आशुतोष कश्यप टेडएक्स स्पीकर, तो यार लोग आपका नाम देखने आ रहे हैं. ठीक है. आप अपने नाम के आगे अपने डिग्रीज लगाने लगोगे ना, तो दैट डज नॉट लुक वेरी प्रोफेशनल. सो जस्ट कीप योर नेम एज योर नेम ओनली. नेम के जस्ट आगे ही हर चीज मत लगाने लग जाया करो. ठीक है. सेकेंड थिंग कमिंग इज दिस थिंग दैट इज योर टाइटल लाइन. तो टाइटल लाइन को हम दो तरह से कर सकते हैं. 70-30 रूल होता है. 70% इज प्रोफेशनल एंड 30% इज पर्सनल. तो मैंने वही कर रखा है. पहले मैंने अपना प्रोफेशनल डाला है टेडेक्स स्पीकर.
IIT, DU, NIT, jury and panelist and entrepreneur. Ye 70% jo hai, this is about my professional work. Then my personal thing, that is PUBG Ace. Matlab, theek hai, main PUBG khelta hun aur luckily main Ace level pe bhi hun. So PUBG Ace, startup guy and traveler. Theek hai. So you can do this thing ki 70-30 mein divide kar liya aapne, 70% is the professional and 30% is the personal thing. Then coming to the about section. So now coming to the about thing. About mein kya hai ki aapko apne baare mein dalna hai. So what you have to do, yahan pe hum do teen cheeze kar sakte hai. Either we can make it like teen paragraph mein dal diya. First paragraph can be about us, second about our work, and third will be why are we here. So maine bhi wahi kiya hai. First jo hai, this is about me, ki main kaun hun, kya hun. Then second is second part is about my work, theek hai. And the last part is this thing, that is how I bring value to yourself. So this is your about thing. So you have to like make it a little bit, ताकि लोग अगर आपके बारे में जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनको समझ आ रहा हो कि हाँ भाई क्या चल रहा है, कौन है ये बंदा. Then followers तो अपने बढ़ गए हैं यार, 9200 हो गए हैं, 10,000 क्रॉस हो जाएगा आई होप जल्दी. Then coming to the experience part में you will have to tell कि क्या experience था, कैसा experience था, कहाँ पे experience था. जैसे if you see, ठीक है, तो ये this is the experience part. I'm sharing the like screen share है ही सबके पास, you guys will be seeing. ठीक है, show five more. So यहाँ पे मैंने अपने सारे experiences डाले हुए हैं कि यार मैंने क्या क्या किया है, ठीक है, क्या क्या whatever I have done, this is all here. ठीक है, okay. So मतलब मेरे तो थोड़े ज़्यादा ही experience हो गए हैं actually यहाँ पे. Okay, so this was my first startup connect, my EDU. Right, again after that coming to that thing, education part, you will ki kaun sa school tha, kaun sa college hai, and write a little bit about that. Jaise maine itna sa hi likh ke chhod diya hai ki KV Tagore Garden was my school, just write a little bit more about that, your CGPA, your award and all. Then coming to license and certificates, so if you have some certifications, online certification, online MOOCs and everything, then you can put it into this section, that is matlab mere dekh hi rahe hoge, स्टार्टअप वीकेंड, डेटा स्ट्रक्चर, मशीन लर्निंग, सी प्लस प्लस, ब्लाबला, सब कुछ है ही. ठीक है, तो मेरे पास कुछ कुछ थे सर्टिफिकेट्स, तो मैंने डाल दिया है. प्लस सी क्रेडेंशियल है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अपना गूगल ड्राइव पे वो फोटो डाल के क्रेडेंशियल में डाल दिया है. सो इफ एनीवन हैज टू वेरीफाई दैट थिंग, तो उसने सी क्रेडेंशियल पे क्लिक किया और यहाँ पे खुल जाएगा मतलब ये. ठीक है, सो यहाँ मैंने अपना गूगल ड्राइव से लिंक कर दिया उसको, कि अगर कोई वेरीफाई करना चाहता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो क्या सही है क्या गलत है, तो ही कैन इजिली वेरीफाई. ठीक है, ओके. सो गोइंग बैक टू लिंक्डइन, या सो दिस इज इट अबाउट लिंक्डइन, दिस इज अबाउट द वॉलंटियर एक्सपीरियंस. उसके बाद सेकेंड कमिंग टू स्किल्स एंड एंडोर्समेंट थिंग. स्किल्स एंड एंडोर्समेंट जितनी ज्यादा हो उतना अच्छा है. रिकमेंडेशन मतलब कोई आपको फायदा नहीं है बट वो देखने में अच्छा लगेगा. अगर वो जीरो भी होता तो मॉनिटरी आपका कोई लॉस नहीं है बट वो देखने में अच्छा लगेगा. नाउ हाउ टू बिल्ड ऑन लिंक्डइन, सो थिंग इज कि यू विल हैव टू पोस्ट रेगुलरली. ट्राई टू पोस्ट एटलीस्ट वन आर्टिकल पर डे. अगर मैं अगर अपना ही देखता हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, अगर मैं अपनी पोस्ट को ही देखूं लास्ट के कुछ दिन पे, ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई पोस्टेड यस्टरडे. आज मैं अभी थोड़ी देर में करूंगा. दिस इज अबाउट द वेबिनार विच आई पोस्टेड वन डे बैक. दिस इज अनदर पोस्ट, ठीक है, उसके बाद दिस इज अनदर पोस्ट, उसके बाद दिस इज अ गुड पोस्ट, मतलब 50,000 व्यूज आ गए थे. दिस इज अनदर पोस्ट एंड दिस इज अनदर पोस्ट, दिस इज फॉर अ TEDx पोस्ट. ठीक है, सो या आई वॉट आई ट्राई कि एटलीस्ट पर डे आप लोग एक पोस्ट डाला करो, एंड दिस इज हाउ यू विल बिल्ड योर कनेक्शन ओवर लिंक्डइन. सो लिंक्डइन इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन गेट पीपल फॉर योर टीम, वेयर यू कैन गेट मेंटर्स, वेयर यू कैन कनेक्ट विद इन्वेस्टर्स, वेयर यू कैन कनेक्ट विद पोटेंशियल क्लाइंट्स इफ यू हैव अ यू नो बी टू बी वर्क एंड ऑल. सो इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस,
So you guys can ask. Okay, so yeah, what kind of post? So yeah, post का ऐसा कुछ नहीं है. दो तीन दिन आप LinkedIn चलाओगे तो you will get to know कि it should be professional, it should talk about your work, it should talk about your ambition. Don't make it too motivational or such type. ठीक है, वरना वो बहुत boring हो जाएगा. So this is how it should go. ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पे in generally देखो, अगर कुछ posts यहाँ पर हैं जो खुले हुए हैं, अगर मैं शो करता हूँ, सो दिस इज वन पोस्ट, ही हैज पुट समथिंग अबाउट लाइफ डिजायर्स. ठीक है, तो दैट इज समथिंग मोटिवेशनल. कमिंग टू द नेक्स्ट पोस्ट, ओके, सो दिस इज समथिंग फ्रॉम हिज पर्सनल लाइफ. ठीक है, सो डोंट जस्ट रीड द पोस्ट, जस्ट लाइक देम, इवन कमेंट ऑन देम. अरे यार सॉरी, मैंने कुछ कमेंट भी कर दिया. So try to interact with the people, ठीक है. The more you in प्रचुर्य का question है, should the post be professional or personal? It can be both, कभी professional कभी personal, that's not of an issue, ठीक है. मतलब बहुत ज़्यादा personal मत करो, it's more of a professional platform. Try to keep a balance between both of them. Coming to Samraj Singh's question, that is explain B2B and B2C. So yeah. B2B is business to business. Let's say मेरी एक कंपनी है कोका कोला, एंड यू स्टार्टेड अ स्टार्टअप जहां आपने एक इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया. नाउ यू आर सेलिंग दैट थिंग टू अ कंपनी, ठीक है, तो इट्स अ B2B business. Let's say you have a CRM or you have a inventory management software, and you are selling it to different businesses to manage their inventories. So it's a B2B business when you are selling something to already existing business. B2C means directly selling to the end customers. So Coca-Cola, it's a B2C business. What it does, it makes cold drinks, it sells to the customers, right? So it's a B2C business. The end customer is paying you. Next question is, what should be the ratio? Yaar, aisa kuch nahi hai. Agar main apni post ki hi baat karta hu, just one second. यार आई होप अब तक सबके जो भी डाउट्स ये सब थे क्लियर हो गए और लोगों को कुछ नया सीखने मिला होगा. सो वी आर डूइंग दिस लास्ट थिंग अबाउट लिंक्डइन पार्ट, बिकॉज हमने काफी डिस्कस किया लिंक्डइन के बारे में. सो यार दिस पोस्ट इज अ प्रोफेशनल पोस्ट. This is a professional post. This is a post like which is mixed personal and professional. Then again, this is a professional post. This is a personal post. So I think if you keep the ratio like 3:1, 3 professional and 1 personal, or 4 professional and 1 personal. Okay. So this was like something. This was some post. Okay. उसके बाद अगेन दिस इज प्रोफेशनल, दिस इज यू कैन से दिस इज पर्सनल. तो दीज गाइज आर लाइक प्रिटी गुड गाइज इन द इकोसिस्टम. अगेन दिस इज अ प्रोफेशनल पोस्ट, दिस इज अ पर्सनल पोस्ट अगेन, एंड दिस इज अगेन अ पर्सनल पोस्ट, दिस इज अ प्रोफेशनल पोस्ट. सो या आई थिंक आई हैव मैनेज द रेशियो ऑफ 4:1, लाइक 4 प्रोफेशनल एंड 1 पर्सनल और समथिंग लाइक दैट. सो यू गाइज कैन ऑल्सो कीप द सेम थिंग over LinkedIn, you know, personal touch आता है ना तो ज़्यादा better लगता है लोगों को, they feel कि हाँ यार सही है. So any more for questions for today? Okay, awesome. So I guess we can conclude here for today. I guess. Okay, how do you choose which idea to start with? यार ऐसा तो कुछ नहीं है, मतलब अब स्टार्ट कर दिया, मतलब इफ यू आर थिंकिंग यू हैव मल्टीपल आइडियाज एंड यू आर प्लानिंग कि यार विच आइडिया आई शुड स्टार्ट विद, सो व्हाट यू कैन डू, यार फ्लिप अ कॉइन, एक होगा हेड एक होगा टेल. ठीक है, सो लेट्स से आई हैव वन थिंग आइडिया 1 एंड आइडिया 2 एंड आई एम कंफ्यूज विच आइडिया टू स्टार्ट. तो क्लोज योर आईज हेड्स एंड जस्ट थिंक इट लाइक हेड आया तो 1 फॉलो करूंगा, टेल्स आया तो 2 फॉलो करूंगा. Toss that coin in the air, and जब coin हवा में हो तो अंदर से जो आवाज है, यार नहीं, it's not humorously yours, ये TVF pictures का है भाई. ठीक है,
आई थिंक ये हाँ टीवीएफ पिक्चर्स का ही है, आई रिमेम्बर एग्जैक्टली. ठीक है, तो या वही कॉइन टॉस वाला, दैट वर्क्स वेरी वेल. सेकेंड थिंग इज यू कैन डू द स्वॉट एनालिसिस कि यार अगर ये आइडिया अभी मान लो सिक्का बीच में गिर गया और वन और टू दोनों आ गया तो क्या करें, तो आइदर दोबारा सिक्का उछाल लो या फिर डू द स्वॉट एनालिसिस, जस्ट सी कि अगर इसको फॉलो करता हूँ तो वॉट विल बी द आरओआई, इसको फॉलो करता हूँ तो वॉट विल बी द आरओआई, एंड अकॉर्डिंगली डू द थिंग्स. वॉट एवर सूट्स यू बेस्ट, वॉट एवर इज द बेस्ट स्किल सेट यू हैव, जस्ट गो बाई दैट थिंग. सो एनी मोर क्वेश्चन, लाइक यू गाइज कैन कनेक्ट मी ओवर लिंक्ड इन ऑल्सो. लिंक्ड इन पे आई ट्राई टू रिप्लाई टू मोस्ट ऑफ द पीपल. वॉट वुड बी द अप्रोक्सीमेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट फॉर अ स्टार्टअप इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री? सो यार एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी बहुत सारी चीजें हैं कि वॉट यू आर लुकिंग एट, आइदर हाउ टू फाइंड. ओके सो फर्स्ट सम्राट सिंह का आंसर. या सो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आइदर वॉट यू कैन हैव कि यू आर प्लानिंग कि यार मैं यूट्यूब वीडियोज बना के डालूंगा मे बी दिस थिंग, और यू आर प्लानिंग कि आई विल स्टार्ट अ इवेंट बेस्ड स्टार्टअप. तो सबके अपने अलग अलग कॉस्ट होंगे. सो ऐसे तो मतलब हम नहीं बता सकते ना एक्चुअली कितना है. विल हैव टू ब्रेक इट डाउन इनटू ऑल द कंपोनेंट्स, ऑल द स्टेक होल्डर्स दैट आर गोइंग इनटू दैट, एंड अकॉर्डिंगली सी कि क्या कॉस्ट लग रहा है. बट इफ यू आर प्लानिंग तो यू कैन लाइक स्टार्ट विद जीरो कॉस्ट एक्चुअली. वही 10,000 के अंदर यू कैन स्टार्ट इट. यू कैन इनिशियली यू कैन आउटसोर्स मोस्ट ऑफ योर वर्क. यू कैन फोकस टुवर्ड द सेल्स कि तुम क्लाइंट्स लेकर, लेट से यू वॉन्ट टू मेक यूट्यूब वीडियोज, या लेट से यू स्टार्टेड अ इवेंट मैनेजमेंट कंपनी. ठीक है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आई थिंक इवेंट मैनेजमेंट आता होगा, आई डोंट क्लियरली नो दैट पार्ट. ठीक है, सो लेट से यू स्टार्ट अ इवेंट मैनेजमेंट कंपनी. अब तुम बोलोगे यार इवेंट मैनेजमेंट कंपनी करनी है तो आई नीड दिस दिस दिस, इतना सब कुछ चाहिए होगा सेटअप. तो ऐसा मत करो, जस्ट फोकस ऑन द क्लाइंट्स. 10 क्लाइंट्स लेकर आ जाओ, और बहुत सारी इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज है उनमें से किसी एक को बोलो भाई 10 क्लाइंट दे रहा हूँ, एंड वहां से अपना कमीशन ले लिया या फैसिलेशन फीस ले ली. अब जो पैसा आया उसके थ्रू तुमने कुछ इक्विपमेंट्स ले लिए अपने, एंड देन नेक्स्ट बार तुमने अपने कुछ इक्विपमेंट्स डाल दिए. इसी तरह यू कैन ग्रो ग्रेजुअली ओवर दैट पार्ट. ठीक है, सो यू विल हैव टू फर्स्ट ब्रेक इट डाउन, लाइक दिस वॉज एन एग्जाम्पल बस. ठीक है, सो यू विल हैव टू सी कि क्या क्या कॉम्पोनेंट्स चाहिए, उनकी क्या प्राइसिंग है, मार्केट में कैसे मिल रहा है, एंड इफ यू कैन पार्टनर अप विद समवन. एंड दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर अनिल कि हाउ टू फाइंड इन्वेस्टर्स एंड फंडिंग. देयर यू कैन अटेंड मीटअप्स फॉर दैट. बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के मीटअप्स होते हैं. गो टू दोज मीटअप्स, इंटरेक्ट विद इन्वेस्टर्स, पिच इन दोज मीटअप्स. जैसे अभी स्टार्टअप मॉन्क के थ्रू ही हम 17-18 इवेंट्स करा रहे हैं इस ईयर. ठीक है, तो अभी भी हमारा 5th को एक इवेंट हुआ था जिसमें 3 इन्वेस्टर्स आए थे. 14th of February को हमारा इवेंट है जिसमें इन्वेस्टर आ रहे हैं. देन राजस्थान में इवेंट है हमारा जिसमें इन्वेस्टर्स होंगे. देन भोपाल में इवेंट है. सो हर वी आर ऑल्सो डूइंग मल्टीपल इवेंट्स ऑन द इन्वेस्टमेंट थिंग. प्लस आप जहां भी रह रहे हो वहां पे कुछ ना कुछ इवेंट हो ही रहा होगा. सो आप उन इवेंट्स में जाओ, उन इन्वेस्टर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करो, एंड इफ दे लाइक योर आइडिया देन ऑफ कोर्स दे वुड आस्क यू टू कम ऑन अ लेटर स्टेज एंड मीट देम. दे वुड शेयर योर कॉन्टैक्ट्स विद, मतलब दोज गाइज विल शेयर योर कॉन्टैक्ट एंड यू कैन गेट इन टच विद देम आफ्टर दैट. सो या दिस इज हाउ यू फाइंड ये चीज इन्वेस्टर्स. हाउ टू नो अबाउट मीटअप्स अराउंड मी, इज देर एनी ऑनलाइन सोर्स सच ऑफ सच इन्फॉर्मेशन? हाँ देर इज अ, तो स्वामीदीप देर इज अ वेबसाइट कॉल्ड meetups.com. यू कैन लुक ओवर देयर. प्लस वॉट यू कैन डू कि यू कैन फॉलो दिस गाई, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. सो ही इज माई मेंटोर ऑल्सो एक्चुअली. सो जस्ट गो टू हिज आईडी एंड डू वन थिंग कि इनकी किसी भी पोस्ट पे चले जाना. लेट मी शो यू गाइज. ठीक है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. शिवेश सर की किसी भी पोस्ट पे चले जाना, रैंडम किसी भी पोस्ट पे. ठीक है, इस पोस्ट की बात करूँ, आई डोंट रिमेम्बर इसमें डाला या नहीं, इसमें नहीं है. ओके इनके किसी ना किसी पोस्ट पे देखना, हमने लिंक शेयर की होगी. ठीक है, हाँ ये रहा ज्वाइन स्टार्टअप मॉन्क एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी. व्हेन यू विल क्लिक ऑन दिस लिंक तो यू विल बी एडेड टू आर ग्रुप. ठीक है, सो उस ग्रुप में वी कीप पोस्टिंग अबाउट द
events that we are doing. ठीक है तो इस तरह का आ गया. So you can join the chat and we keep posting about the events that we are doing around the year. So you guys will get some overview of हमारे events कहाँ हो रहे हैं. And second thing is that meetups.com is such a website where you can find these type of information कि कहाँ कौन सा meetup हो रहा है. So you can check that website also. You can check this website townscript.com. उस पे भी काफी सारे इवेंट्स होते हैं तो यू कैन चेक कि टाउनस्क्रिप्ट पे क्या इवेंट हो रहा है, आपकी सिटी में कौन सा इवेंट हो रहा है, एंड देन यू गाइस कैन ऑफ कोर्स गो टू दोज इवेंट्स. सो या आई होप यू नो लाइक वी कैन एंड फॉर टुडे आई गेस. ओके थैंक यू गाइस, इट वाज लाइक नाइस टॉकिंग टू एवरीवन, इट वाज नाइस इंटरेक्टिव सेशन एंड सही है. बाकी यार किसी को कोई भी इश्यूज हो तो यू गाइस कैन कनेक्ट विद मी. ठीक है Hello. Hello everyone. Thanks a lot, Ashutosh, for having a wonderful session. And we have left a feedback link in the WhatsApp group. Kindly check that. And it would be great if you can share the feedback for the session and be connected. And in the next month, we will be organizing another webinar with Michael Kosek on the topic community building. So we are hoping that you all be the part of that webinar also. Really, thank you.